तो होंगे होंगे ना, वही गंध दोबारा उस ऑयल में आ गया। और जब चलेगा जो थोड़ा कटा हुआ था पिस्टन वो और कट जाएगा। जब हमने उसको एक बार चलाकर जो गंध है वो सारा नीचे आ गया, फिर हमने उस ऑयल को भी निकाल के दोबारा ऑयल डाल दिया तो फ्रेश हो गया ना पूरा, अंदर का भी सारा सामान साफ है और ऑयल भी वो टाइम तक। तो ऑयल डालने का भी तो उसमें मतलब सारा कंप्रेसर में या कहीं पे डोर डाल दिया होगा कि इसमें इतना ऑयल लगेगा, या फिर मिनिमम 300 ग्राम ही सब में लगते हैं। हाँ 300-400 ग्राम, अगर फ्रिज का है छोटा है तो 200 ग्राम 150 ग्राम। जो रेसिव कंप्रेसर आते थे उनमें तो हम चलाया और सेक्शन में पकड़ा तो बोतल लगा दी, पर बोतल लगाने का मतलब है पहले हम बोतल में भी नापते थे कितना है। अगर 1 लीटर की बोतल है तो उसको आधा भर दिया, 250 ग्राम 300 ग्राम पहुँच गया, ठीक है आधे से थोड़ा कम 250-300 ग्राम। ज़्यादा ऑयल भी हो जाए तो वो प्रॉब्लम करेगी नहीं, ज़्यादा अगर ज़्यादा ऑयल हो जाता है ना हमारा तो हम कंप्रेसर को चालू रख कर डिस्चार्ज से फ्लैशिंग करते रहेंगे तो वो जितना ऑयल फालतू है ना वो सब बाहर आ जाएगा। जब वो फ्लैशिंग में ऑयल ना आए तो आप उसको लगा सकते हो कहीं से, स्प्लिट का स्प्लिट में, विंडो का विंडो में, जहाँ भी मतलब लगा सकते। मतलब ऑयल ज़्यादा हो गया तो वो डिस्चार्ज से फेंकेगा, फ्लैश कर दो वो फेंक देगा सब, एक्स्ट्रा हो गया तो फिर वो अपने मेंटेन हो गया तो फिर वो ऑयल नहीं। और कुछ अभी कह रहे थे हमारी क्लास खत्म हो गई, अब कह रहे हैं हमारी समझ ही नहीं आ रही। अरे ऐसे नहीं, वो नहीं बोल रहा, डाउट की बात बोल रहा। चलो फिर डाउट जब आऊंगे जब पूछ लेना। मेरे को पूछना होता तो मैं सर से पूछ लेता, मैंने रान भाई आपको फोन किया था, मैं